नमस्कार, टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मंत्रालय से डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य, रिसर्च ऑफिसर हैं मेडिसिनल प्लांट्स एंड एग्रोनॉमी में। वैश्य साहब, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ प्रारंभिक शिक्षा ली और किस तरह आयुष मंत्रालय में पहुंचे? जी, प्रारंभिक शिक्षा मेरी मेरे गांव में हुई। मेरा गांव प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, मांधाता। मांधाता गांव में शिशु मंदिर से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई, और फिर उसके बाद मैं इंटर कॉलेज से इंटर किया। फिर वहाँ से 12th पास करने के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए मैंने प्रवेश के लिए प्रयास किया कि मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए। जी तो मैंने गांव में ही, जो हमारे गुरुजी ने जो हमें शिक्षा दी थी, उसी को बेस मान के मैंने अपनी तैयारी की। कॉलेज मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधीन इवन किशन कॉलेज से मैंने स्नातक की परीक्षा कंप्लीट की। वहाँ से BZC में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान में। उसके बाद मैंने परास्नातक के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और साथ ही मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था। तो मेरा प्रवेश के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नाम आ गया। वहाँ पे एक ही सीट हुआ करती थी मेरी कैटेगरी में, चूँकि कैटेगरी वाइज वहाँ पे सीट का एलोकेशन था, और मैं बहुत चिंतित था कि एक सीट में मेरा एडमिशन कैसे होगा। पूरे भारतवर्ष के बच्चे वहाँ पे आते हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी हेरिटेज है, और संस्कृति, डिफरेंट कल्चर्स, सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। और मुझे अपने अंतरात्मा में भी ये था कि मेरी जो जिज्ञासा थी कि मैं ऐसे धरोहर का हिस्सा बनूं, और मैं वहाँ पे कुछ सीख पाऊँ, ऐसी मेरी इच्छा थी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ पे काशी विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लूँगा। साथ ही साथ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आवेदन किया था, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एडमिशन होना था। तो जब मेरा वहाँ पे नाम आ गया, तो वहाँ पे मैंने अपनी परा स्नातकोत्तर परीक्षा मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। फिर वहाँ पे मैंने 2 साल स्टडी की, और वहाँ पे हमारी जो है MSc का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और उसके बाद फिर आगे की स्टडी के लिए, फिर जब मैं फाइनल ईयर में था, तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी होते थे उस समय, आज भी हो रहे हैं, जैसे नेट है, JRF है, गेट है, कि हमें फेलोशिप मिले, और अगर मुझे छात्रवृत्ति मिलती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मैं क्योंकि फिर मेरा रुझान रिसर्च की तरफ चला गया। मैं बनना तो चाहता था डॉक्टर, तो MBBS करना चाह रहा था, बट आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत ना होने के कारण मैंने अपना जो स्टडी का फील्ड था वो मैंने फिर चूज किया दूसरा, कि हम BSc करेंगे, फिर MSc करेंगे, फिर मैं PhD करूंगा, और PhD करने के बाद फिर मैं डॉक्टरेट डिग्री पाके, और कोशिश करेंगे कि उस दौरान अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो PhD कंप्लीट करने के बाद हम अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से फिर PhD में मेरा एडमिशन फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, और उसके पहले मैंने कई जगह जो है परीक्षाएं दी कि PhD में मुझे एडमिशन मिल जाए। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मैं क्वालिफाई किया था, रिटेन, फिर इंटरव्यू दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil में मेरा होने ही वाला था, बट फाइनली रिजल्ट में नाम नहीं आया। इंटरव्यू तो मैं दिया था, वहाँ पे सीट भी मेरी रिजर्व थी, बट वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिला। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे एक प्रोफेसर मैडम थी, और मैं MSc जस्ट पास किया हुआ था, तो उन्होंने ये बोला मुझसे कि आप MPhil में तो एडमिशन ले लोगे, पर दिल्ली बहुत महंगी सिटी है,
आप एक निम्न वर्ग से आए हुए हैं, आप यहाँ पे एक महीने का खर्च आपका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाएगा, आपको कोई फेलोशिप भी नहीं मिलेगा, तो आप कैसे अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे और कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? तो इन सब चीज़ों पे मैंने भी विचार किया और फिर बाद में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही एडमिशन लिया, क्योंकि मैं गेट क्वालिफाई कर लिया था, तो गेट के थ्रू मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में एडमिशन मिल गया। वहाँ पे मैंने फिर पीएचडी की तैयारी की कि मुझे रिसर्च कैसे करना है, कौन से टॉपिक पे करना है। फेलोशिप मेरे पास नहीं थी उस समय भी। फिर मैंने देखा कि वनस्पति सर्वेक्षण है, भारत वनस्पति सर्वेक्षण, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकली थी, जो कि फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट था पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, तो उसमें मैंने भाग लिया। वहाँ पे परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की जनरल कैटेगरी में, और फिर वहाँ पे मैंने सर्वे का काम किया। फिर वहीं से मेरी असली जो शुरुआत हुई, और हमारे जो पीएचडी के मेंटर थे, हमारे गाइड थे, सर ने हमें गाइड किया कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए। तो हमने वहाँ पे एक हेलियंती ड्राइव एस्ट्रेसी फैमिली का जो है, तो उसको मैंने रिविजनरी स्टडी किया कि पहले किताबों में पढ़ते थे, फिर अब हम किताब में पढ़ने के साथ साथ हम उसकी स्टडी करते थे और जाके फील्ड में भी हम उसको कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करके फिर उन पौधों को लाके उनका ड्राइड स्पेसिमेन हर्बेरियम बनाना और उनके बारे में सारी लिटरेचर को एक जगह संरक्षित करना। और फिर कुछ न्यू फाइंडिंग्स भी रही हमारी पीएचडी के दौरान, तो इस तरीके से हमने मेरा जो वर्क प्लेस था वो था बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो कि प्रयागराज में था, और पीएचडी में एनरोल था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो हम बीच बीच में जाते थे वहाँ पे, जब हमारा असेसमेंट होता था तो हम वहाँ पे जाके अपना प्रेजेंटेशन देते थे कि हमने इतने दिन में इतना काम कर लिया और ये मेरी फाइंडिंग्स रही हमारी स्टडी की, और इस स्टडी से फ्यूचर में ये मिलेगा। तो वैसे बात करें आयुष मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय के का क्या पर्पस है और क्या काम करता है आयुष मंत्रालय? आयुष मंत्रालय बेसिकली आयुष, आयुष मीन्स कि AYUSH, ए मीन्स आयुर्वेदा, वाई मीन्स योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मीन्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, देन यस यस मीन्स सिद्धा एज वेल एज सोवा रिग्पा टिबेटियन मेडिसिन, देन एच एच मीन्स होम्योपैथी। तो हमारी ये जो 6 पद्धतियाँ हैं इनके स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट को लेके आयुष वर्ड बना। आयुष मंत्रालय का बेसिकली हमारा आई एम वर्किंग इन द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में मैं कार्यरत हूँ वर्तमान में। ये आयुष मंत्रालय का एक विंग है, मेडिसिनल प्लांट सेल पहले हुआ करता था, और हमारा जो मेन काम है कि औषधि पौधों का संरक्षण करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना, जन जन तक, जन जन को जागरूक करना कि वो औषधि पौधों की खेती करें और जो स्थानीय जड़ी बूटियां हैं उनको संरक्षित करें, और उसके साथ साथ खुद भी तो जागरूक हों और साथ में दूसरों को भी जागरूक करें। तो इस पहल और इसी मैंडेट के साथ हम लोग कार्यरत हैं, और हम लोग इसी कड़ी में हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। और हमारी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उस स्कीम के तहत हम लोग कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे पौधों को कंजर्व करना है, उसके साथ साथ बच्चों में भी अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ एक कंपोनेंट है स्कूल हर्बल गार्डन, इंस्टीट्यूट लेवल पे इंस्टीट्यूशनल गार्डन को स्थापित करने के लिए हम लोग सहायता प्रदान करते हैं, राशि प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सब के लिए भी फंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जड़ी बूटियों में कैसे, जैसे कोई प्लांट है उसकी नई वेराइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कोई फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कोई जड़ी बूटी है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड मिलता है, उस कंपाउंड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं बिना जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए, तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग फंड प्रोवाइड करते हैं।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की आपने और फंड प्रोविजन की भी बात की आपने, तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर हमारे स्टेट उत्तराखंड की बात करता हूं मैं, तो उत्तराखंड राज्य शुरू से आयुर्वेद के लिए या जड़ी बूटियों के लिए शुरू से बहुत फेमस रहा है। माना जाता है कि उत्तराखंड से बहुत जड़ी बूटी इस प्रकार की औषधियों में लगने वाली सामग्री वहां से आती है। तो अगर हम आज की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों को किस प्रकार की प्लांटेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपके ख्याल से किस प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो जंगल से निकल के मेन स्ट्रीम खेती की तरफ बढ़ सकती हैं? उत्तराखंड में हमारा एक राज्य औषधि पादप बोर्ड है, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने हर स्टेट में एक अपना ऑफिस भी बनाया हुआ है। तो जैसे हमारा ऑफिस है देहरादून में, राष्ट्रीय राज्य औषधि पादप बोर्ड, साथ ही हमारा एक रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर है जो कि जोगिंदर नगर में स्थित है, उनके अंडर में उत्तराखंड स्टेट आता है। तो इस तरीके के जैसे किसान बंधु हैं या कोई भी जो पब्लिक है, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे डायरेक्ट सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे स्वर्सिया चिरायता है, चिरायता, उसके साथ साथ कुटकी है, पिक्को राजा कुरुआ कुटकी, साथ में सतावरी है, आपका अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, साथ ही साथ ओरोजाइलम इंडिकम है, गिलोय है, गोखरू है, ट्रिबुलस टेरेस्टिस, इस तरीके के पौधे। और इसके साथ साथ जो वहाँ के एंडेमिक पौधे हैं उन पौधों को संरक्षित करना और उन पे फोकस करना, जैसे तेज पत्ते की खेती भी वहाँ होती है, तेज पत्ता का प्लांटेशन किया जाता है। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं लेने चाहिए, साथ ही साथ लोगों को भी जोड़ना चाहिए कि औषधि पौधों की भी खेती करें, वो जो रेगुलर खेती कर रहे हैं उसमें औषधि पौधों को भी शामिल करें, सम्मिलित करें, जिससे उनकी इनकम बढ़े जी। और इसी सब संदर्भ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अच्छी एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनको भी हम लोग फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी 80% जड़ी बूटियां जो है फॉरेस्ट से या वाइल्ड से आती हैं, 20% कल्टीवेशन से आ रहे हैं जो कि रॉ मटेरियल यूज होते हैं आयुष इंडस्ट्री द्वारा दवाइयों को बनाने के लिए। विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है। तो इस तरीके से हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि 80% दवाई अभी भी जंगल से आ रही है, तो यानी कि बहुत स्कोप होगा कि हाँ भी अगर आदमी प्लांटेशन करना चाहे तो बहुत स्कोप होगा ऑर्गेनाइज तरीके से प्लांटेशन करने का फिर तो। क्योंकि अभी जैसे हम रिसेंटली लास्ट 3 इयर्स में देखें तो हमारा जो रॉ मटेरियल का डिमांड है वो बढ़ा है जी। क्योंकि भारत की एक पहचान हुई है इंटरनेशनली और आप भी देख रहे हैं, और दुनिया में तो पॉपुलेशन बढ़ी रही है, डिमांड बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। और लोग हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ से वो तो यूज कर ही रहे थे, अभी उसके साथ साथ लोग हमारी भारतीय पद्धति, जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, जैसे होम्योपैथिक सिस्टम है या आयुर्वेद सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम है, उन सब की तरफ लोगों का रुझान इस समय झुक रहा है, वो बढ़ रहे हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इन सब दवाइयों से आदमी को बहुत लाभ होता है और छोटी से लेके बड़ी समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाता है। आप पीएचडी हैं, बॉटनी में पीएचडी कर रखी, आपके अपने ओपिनियन में एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, कि आप आपका रुझान होम्योपैथी की तरफ ज्यादा है एलोपैथी की तरफ ज्यादा रहता है? एक्चुअली ये डिपेंड्स करता है कि हमारी जैसे बॉडी है, सबकी बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्स है। मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज ए बॉटनिस्ट अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं और जो हमारी मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारी अपनी जो इंडियन सिस्टम्स हैं मेडिसिन, तो इंडियन सिस्टम आप मेडिसिन है, अगर आप एज पर एडवाइस उसको यूज करते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बेसिकली जो है। बट एलोपैथ सिस्टम जो है उसमें जो कि देखा गया है कि कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। एक तो जो
मेरा अपना जो ओपिनियन है कि हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और साथ ही साथ जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो तुरंत तो फायदा करती है। आपने जो मेडिसिन ले लिया आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, बट हमारी जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये स्लो वर्क करते हैं और इनका रिस्पांस स्लो आता है, बट आपको जड़ से निजात मिल सकती है। आपको कोई किसी को भी कोई बीमारी है तो वो उनकी बीमारी पूरी क्योर हो सकती है, बट एलोपैथिक सिस्टम में है कि वो तुरंत तो रिलीफ मिल जाता है, बट लॉन्ग टाइम में क्या इफेक्ट होगा वी डोंट नो। आप पब्लिकेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं, किस प्रकार की पब्लिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, किस प्रकार की किताबें छपाई हैं या? कड़ी में फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया जो पब्लिश होती है, तो आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश हुई, उसमें भी मेरा नाम रहा, जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था एज ए रिसर्च असिस्टेंट म्यूजियम हर्बेरियम, तो फार्मेकोग्नोसी पार्ट में मैंने हेल्प की थी, तो फार्मेकोग्नोसी के कंट्रीब्यूशन के लिए मेरा नाम वहाँ पे दिया गया। आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया में भी है और यूपीआई में भी है। तो इसके साथ साथ जो मैंने बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया, तो मैंने कुछ पौधे भी नए खोजे थे स्टेट लेवल पे। कुछ पौधे ऐसे थे जो पहले इंडिया में मिलते थे, अभी नहीं मिल रहे हैं, तो रिविजनरी स्टडी में हम यही देखते हैं कि क्या वो पौधा आज भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी कंट्री में, या वो जो पौधा है उस पौधे के नामनक्लेचर में कोई चेंज हुआ है। तो आपका कहना है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जो विलुप्त हो चुकी हैं। हाँ, बहुत सारे विलुप्त तो भी हुए हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं जिन्हें फिर से खोज की गई हैं, दोबारा से उनको पाया गया कि हमारी कंट्री में ये भी मिलते हैं, तो हम लोग ऐसे करके पब्लिश करते हैं, न्यू रिकॉर्ड्स फॉर दी उत्तर प्रदेश स्टेट, न्यू न्यू रिकॉर्ड्स फॉर दी इंडिया, या न्यू स्पीसीज फॉर दी दिस साइंस करके, इस तरीके से हम लोग पब्लिश करते हैं। सर, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आपको कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी आपको दिया गया है। चलते चलते युवाओं व देश के लोगों के लिए हमारे टेलीविजन के माध्यम से कोई एक संदेश दें। बस मैं यही बताना चाहूँगा कि इस धरती पे कोई चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम अपनी अपने एम को पहले डिसाइड कर लें और उसके साथ साथ हम कड़ी मेहनत करें अपने एम के प्रति ही जागरूक होके सत्य निष्ठा से अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी, हम जो चाहते हैं वो ज़रूर हमें मिलेगी और आप ज़रूर सफल बनेंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ध्येय के प्रति अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आपका अगर कर्म सही डायरेक्शन में रहेगा तो आपको फल जरूर मिलेगा। भाई साहब, कई कठिनाइयों के थ्रू आपको और आपके परिवार को गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि आपकी जो जर्नी रही, इसमें किस किस प्रकार की कठिनाइयां आपने देखी? अपने परिवार को किन किन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और याद करते हैं? मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो कि एक किसान हैं और किसान थे वो, और उस समय उन्होंने हमारा थोड़ा सा खेत था, उसी खेत में वो खेती करके और उसी अनाज से अनाज पूरे बिक जाते थे, उसके बाद भी लोगों से उधार लेना पड़ता था। उन्होंने मेरी जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेरे स्नातकोत्तर तक, परा स्नातकोत्तर तक उन्होंने, जब तक मुझे फेलोशिप की कहीं से व्यवस्था नहीं हो गई तब तक वो, और साथ ही साथ मेरे भाई जो बड़े भैया और बीच वाले भैया दोनों ने मेरी मदद की। स्पेशली बड़े भाई ने अपने फैमिली होते हुए भी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना परिवार चलाना और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी साथ ही साथ जो घर की एक परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है उसके प्रति भी निर्वहन, जिम्मेदारी का निर्वहन करना, तो वो मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छे से की। उन्होंने मुझे हर मोड़ पे मेरा मार्गदर्शन भी किया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से भी सहायता की कि हमारी फीस में कोई व्यवधान ना हो। जब हम छोटे थे हमें याद है कि रिपोर्ट्स कार्ड्स जो है सबको मिल जाते थे लास्ट डे पर, मुझे और मेरे भाई बहनों को नहीं मिलता था क्योंकि हमारी फीस नहीं जमा हुआ करती थी। फिर जब नेक्स्ट सेशन आता था तब फीस जमा होती थी, तब जाके हमें जो है रिपोर्ट्स कार्ड मिलते थे। और
मुझे आज भी वो दिन याद है और मैं भूलना नहीं चाहता हूँ कि मैं ईच एंड एवरी बडी जो भी मेरे इस मुकाम में यहाँ तक पहुँचाने में मुझे जो भी मेरा मार्गदर्शन और सहयोग किए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बड़े और छोटे बुजुर्ग और हमारे साथी सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका सहयोग मुझे हमेशा मिला। आज भी मैं गांव जाता हूँ तो मेरे पास जो भी समय रहता है मैं सबसे मिल के आने की मेरी इच्छा रहती है और मैं सबसे मिल के आने की कोशिश में रहता हूँ और कोशिश रहती है कि मैं सबसे मिल के आऊँ और मिल के आता हूँ सबसे जब भी जाता हूँ गाँव। और वो खुशी मुझे मेरे अंतरात्मा में वो जो खुशी मिलती है मैं वो जुबान से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। बट आई रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी बडी, मैं सभी का आभार। और साथ ही साथ मैं इस चैनल के चीफ एडिटर कुलीन गुप्ता साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आके अपनी जो मेरी कठिनाइयाँ जो भी मैंने कठिनाइयाँ फेस की जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया। और मैं आगे भी अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है जो नैतिक जिम्मेदारी है अपने कंट्री के प्रति अपने देश के प्रति उसका मैं निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सब टीवी 100 से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। और ये थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।